जीवन मंत्रा योग अध्यात्म और आयुर्वेद की वो त्रिवेणी है जिससे आपका जीवन बनेगा स्वस्थ और निरोग। दोस्तों, जीवन मंत्रा को आप लोग आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि जीवन मंत्रा के जो नुस्खे और तरीके होते हैं वो एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक होते हैं। इसलिए चैनल को आज और अभी सब्सक्राइब कर लें। आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन आप पाइए घर बैठे, वो भी फ्री में। दोस्तों, आज हम आपको पीपल के स्वास्थ्यवर्धक फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं। ये तो सब जानते हैं कि ये पेड़ हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। पीपल के पत्तों का प्रयोग आयुर्वेद में बहुत सारी दवाएं बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा ये दिल की बीमारियों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। अगर किसी को दिल की बीमारी है तो उसे पीपल से दोस्ती करना बहुत आवश्यक है। आखिर क्या करता है, जरा देख लेते हैं। दोस्तों, ये हृदय संबंधी रोगों का खतरा कम कर देता है। पीपल की ताजी 15 हरी पत्तियां एक गिलास पानी में अच्छी तरह से उबालें। पानी को तब तक उबालें जब तक कि वह एक तिहाई शेष रह जाए। अब उसे ठंडा करके छान लें। अब इस काढ़े की 3 खुराक बना लें, सुबह हर 3 घंटे के बाद लें। ऐसा करने से हृदय संबंधी रोगों का खतरा कम हो जाता है। दोस्तों, ये दांतों के लिए बहुत अच्छा होता है। दांतों की मजबूती और सफेदी के लिए इसके तने से बनी दातुन का प्रयोग बहुत अच्छा माना जाता है। पीपल की दातुन से दांतों का दर्द दूर हो जाता है। 10 ग्राम पीपल की छाल, कत्था और 2 ग्राम काली मिर्च को बारीक पीस कर बनाए गए मंजन का प्रयोग करने से भी दांतों की समस्याएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, ये दमा में बहुत असरकारक है। दमा रोगियों के लिए पीपल का पेड़ किसी दवा नहीं, वरदान से कम नहीं है। इसके प्रयोग के लिए पीपल के तने की छाल के अंदर के हिस्से को निकाल कर सुखा लें। इसे सूखने के बाद इसका बारीक चूर्ण बना लें और दमा से ग्रसित रोगी को ये चूर्ण पानी के साथ दें तो ये बहुत ही कारगर होगा। अगर दोस्तों किसी तरह की खांसी जुकाम आपको हो गई है और अगर आप इससे निजात पाना चाहते हैं तो आप पीपल के पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके प्रयोग के लिए आपको पीपल के 5 पत्तों को दूध के साथ अच्छी तरह से उबाल लेना चाहिए। अब इसमें चीनी डालकर सुबह शाम आप अगर पियेंगे तो आपको आराम मिल जाएगा। जीवन मंत्रा में आज इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।